ठीक है आगे बढ़े। तो हम क्या बताएं कि आपने अगर यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया फिर भी आपको इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो मिनिमम आपको अपर्चर चाहिए, मिनिमम अपर्चर चाहिए इमेज बनाने के लिए, वो क्या कहला गया? एंट्रेंस प्यूपिल, ठीक है। और वो मिनिमम अपर्चर जो है, वो मिनिमम अपर्चर जहां से आप पूरी की पूरी इमेज को देख सके, वो क्या कहला गया? एग्जिट प्यूपिल। एंट्रेंस प्यूपिल और एग्जिट प्यूपिल का आपको पोजीशन भी अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जिट प्यूपिल की पोजीशन आपको जानना भी जरूरी है, एग्जिट प्यूपिल की पोजीशन जानना भी जरूरी है, क्योंकि वहीं पर आप अपनी आंख को पोजीशन देंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरी की पूरी इमेज दिखाई दे। क्लियर है? अभी क्लियर है? मिठाई यस अब देखिए, ये आपका प्यूपिल था और नीड फॉर प्यूपिल था कि इंपॉर्टेंस क्या है प्यूपिल का। जो आपका एंट्रेंस प्यूपिल एग्जिट प्यूपिल है, ये भी कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपके फोकल लेंथ कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज जो होता है वो भी कॉन्जुगेट होता है। अगर आप इमेज को ऑब्जेक्ट की जगह रख दें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज की जगह बनेगा, ठीक है, तो वो कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही एंट्रेंस और एग्जिट प्यूपिल भी कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। अगर आप रेज यहां से ले आइएगा तो आपका एग्जिट प्यूपिल ये बन जाएगा, ठीक है। रेज यहां से लाइएगा तो एग्जिट प्यूपिल ये बन जाएगा। तो ये एंट्रेंस बन जाएगा, ये एग्जिट। एक बार यहां से ले आए, रेज लाइएगा तो ये एंट्रेंस, ये एग्जिट, ठीक है। ये कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक। आइए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हाइगेंस आईपीस की, ठीक है। हाइगेंस आईपीस की बात करते हैं, बहुत ईजी है, आपको बताते हैं। हाइगेंस आईपीस देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि इसमें दो लेंसेज होते हैं, इस तरह के दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। इनके बीच मान लीजिए डी डिस्टेंस है, इसका फोकल लेंथ एफ वन है, इसका फोकल लेंथ एफ टू, ठीक। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं, इनमें क्या होता है कि जो फोकल लेंथ एफ टू इज टू एफ वन का रेशियो है वो 3:1, ठीक है। और डी जो होता है, डी होता है वो एफ टू माइनस एफ वन होता है। ये दो कंडीशन है आपको भी, जैसे आई में प्यूपिल क्या पूछा है, एक बार फिर से पूछ लीजिए, देख रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं, अभी पॉपअप करेगा। जैसे आई में प्यूपिल श्रिंक होती है, वैसे टेलीस्कोप में नहीं होगा। नहीं, कैसे होगा? ये भगवान बनाया, ये इंसान बनाया है, ठीक है। भगवान वाला क्रिएशन खतरनाक है। टेलीस्कोप में कैसे वो श्रिंक होगा, ठीक है, नहीं होगा। वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पर इमेज कैसा है, ठीक। तो देखिए, हाइगेंस आईपीस एक ऐसा आईपीस है जिसमें आपको दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, इस तरह से कि एफ टू इज टू एफ वन क्या हो, 3:1 हो। देखिए, ये एफ वन है, ये एफ टू है, ठीक है। और डी, इनके बीच का डिस्टेंस एफ टू माइनस एफ वन है। तो ऐसे आईपीस को आप क्या बोलेंगे? हाइगेंस आईपीस। बात खत्म। अब आपको सारा पुराना ज्ञान देखना है। पुराना ज्ञान में क्या है? अल्फा, बीटा, L1P1, L2P2 और आपको जो एक एफ आता है, ठीक है। ये पांच पॉइंट जो आपने कार्डिनल पॉइंट्स में पढ़े हैं, उन्हीं का डिस्कशन अब करना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एफ वन एफ के बराबर, एफ वन इज इक्वल टू एफ, ठीक। तो एफ टू कितना हो जाएगा? 3F। और डी कितना हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 3F माइनस एफ इज इक्वल टू 2F। क्लियर है? हाइगेंस आईपीस में मैंने दो ही बात बताई है, इतना ही बस याद रखना है, बाकी सारा पुराना ज्ञान, ठीक है। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एफ टू इज टू एफ वन 3:1 है, और डी क्या है? एफ टू माइनस एफ वन। तो मान लीजिए एफ वन एफ के बराबर हो तो एफ टू कितना हो जाएगा? 3F। और डी कितना हो जाएगा? 2F हो जाएगा, ठीक। अब जरा देखिए, ये कैसे स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन को खत्म कर रहा है, जरा गौर से देखिएगा। क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन, सबसे पहले देखिए क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंडीशन डी इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू बाई टू, ये कंडीशन चाहिए आपको। तो डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 3F प्लस एफ एफ प्लस 3F बाई टू, यानी 4F बाई टू, यानी डी कितना आना चाहिए? 2F आना चाहिए। अगर डी 2F हुआ तो क्रोमेटिक एबरेशन क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। डी कितना है? 2F। क्रोमेटिक एबरेशन मिनिमाइज। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सर ठीक। अब अगला बात, स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन मिनिमाइज करने के लिए डी होना चाहिए एफ वन डिफरेंस एफ टू, या एफ टू डिफरेंस एफ टू, एफ टू माइनस एफ वन। यहाँ पे एफ टू माइनस एफ वन कर ले,
ठीक है, तो एफ टू माइनस एफ वन होना चाहिए, ठीक। क्या है डी? एफ टू माइनस एफ वन आपने रखा ही है, डी कितना रखा है? एफ टू माइनस एफ वन, डी कितना है? थ्री एफ माइनस एफ इज इक्वल टू टू एफ, डी कितना होना चाहिए? टू एफ, डी है कितना? टू एफ, इसलिए स्फेरिकल एब्रेशन भी आपका क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। बात क्लियर है? ये दोनों बात क्लियर है? यस सर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाइगेंस आईपीस की दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम आसान है। जिन्होंने क्रोमेटिक स्फेरिकल एब्रेशन पढ़ा है उनके लिए तो और मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको होगी जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन फॉर्मूला अगर आप देख लें तो इसको बताना बहुत आसान है। तो हाइगेंस आईपीस अगर आता है तो आप क्या लिखेंगे? हाइगेंस आईपीस क्या है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बाद लिखेंगे कि हाइगेंस आईपीस सेटिस्फाइज द कंडीशन फॉर मिनिमम क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन। कैसे? ये दिखा देंगे, ये दिखा देंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए इसकी निकालते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2, यही होता है। आइए निकालते हैं इक्विवेलेंट, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन 3f माइनस d यानी 2f अपॉन 3f इनटू f यानी 3f का स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा? 2f 3f 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्मॉल f प्लस 1 अपॉन स्मॉल 3f माइनस 2 अपॉन 3f, ठीक है। 1 अपॉन 3f माइनस 2 अपॉन 3f कितना आएगा? माइनस 1 अपॉन 3f, ठीक है। तो आ जाएगा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन 3f, ठीक है, 2 अपॉन 3f। तो ये आ जाएगा 3 का यहाँ पर लीजिए एलसीएम, तो आ जाएगा 2 अपॉन 2f अपॉन 2 अपॉन 3f, ठीक है, 2 अपॉन 3f, ठीक। यानी कि आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आया 3f अपॉन 2, क्लियर है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपका आया 3f अपॉन 2, 3f अपॉन 2 पॉजिटिव है, ठीक है। नोडल स्लाइड प्रैक्टिकल में इसी पर बेस्ड है सर, नोडल स्लाइड प्रैक्टिकल नहीं, नोडल स्लाइड दूसरा है इसी तरीके का, ठीक है, इसी तरीके का होता है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो 3 अपॉन 2f आया है, ठीक है, ये हम मानते हैं 3 अपॉन 2f है। अब देखेंगे हम लोग कि पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे और पोजीशन ऑफ फोकल पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे, पोजीशन ऑफ नोडल पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। देखिए पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट दिख रहा है ऊपर, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट्स कहाँ कहाँ होता है? अल्फा होता है, अल्फा होता है एफ डी अपॉन एफ टू, बीटा होता है माइनस एफ डी अपॉन एफ वन, ठीक है। अल्फा क्या होता है? एफ डी अपॉन एफ टू, बीटा होता है माइनस एफ डी अपॉन एफ वन, ठीक। एफ क्या है आपका? 3/2f, 3/2f, डी क्या है? 2f, और एफ टू क्या है? 3f, ठीक है। तो ये 3f है, 2f से 2f कैंसिल हो गया, 3f से 3f कैंसिल हो गया, ठीक है। ये f2 ये वाला नहीं है भैया, देखिएगा लिख तो दिए f2, ये अल्फा इसका होता है, ठीक है, यहाँ पर f1 होगा और ये f2, ठीक। ये अल्फा जो होता है दूसरे लेंस का कंटेन करता है, यहाँ पे हमने साइन गलत ये करके गलत कर दिया है, ठीक है, हमने गलती कर दी है। ये सर उल्टा होगा ना, रेशियो सर उल्टा होगा ना, उल्टा होता है रेशियो, है ना, बस हम क्योंकि नोटेशन उल्टा कर दिए हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, नोटेशन उल्टा कर दिए हैं, ठीक, कोई बात नहीं है। ये एफ डी अपॉन एफ टू ही होता है और एफ डी अपॉन एफ वन ही होता है, लेकिन यहाँ एफ टू ये वाला है, ठीक। तो ये हो जाएगा एफ, तो देखिए टू एफ से टू एफ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा थ्री एफ, ठीक है, और ये माइनस 3/2f इंटू टू एफ अपॉन थ्री एफ, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एफ, ठीक है। तो अल्फा अगर 3f आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा की पोजीशन कहां से लेते हैं? पहले लेंस से, l1 से, ठीक, l1 से ये 3f आगे की ओर ले, और माइनस f आने का मतलब क्या है? बीटा की पोजीशन l2 से माइनस f पीछे की ओर, ठीक है, ये दो चीजें पता चल गई। अब देखिए हम लोग फोकल फोकल पॉइंट्स की पोजीशन निकाल लेते हैं, फोकल पॉइंट्स की पोजीशन निकाल लेते हैं, क्या आएगा सर इसमें? पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर बता सकते हैं? हाँ, पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर भी निकला रहता है कि क्रॉस वायर कहाँ पर रखें, ठीक है।
देखिए अब आप फोकल पॉइंट निकाल लीजिए। फोकल पॉइंट जो होता है L1 F1, वो जो होता है वो होता है -F1 - D/F2। इसमें भी उल्टा होता है F2 और F1, तो ये देखिए क्या आएगा, आएगा -3/2 F1 -2F/F2 कितना है, F है ठीक। तो ये देखिए F से F कैंसिल हो गया, 1 - 2 -1 आ गया, यानी आ गया 3/2 F। तो पहला जो फोकल लेंथ है L1 F1, L1 से लेंथ L1 से पहला फोकल लेंथ कितना होगा, 3/2 F डिस्टेंस पर होगा ठीक। और इसी तरह से L2 F2 निकालेंगे तो क्या आएगा, आता है F ब्रैकेट में 1 - D/F1 ठीक। F2 के लिए निकालेंगे तो ये F1 हो जाएगा, F1 के लिए निकालेंगे तो ये F2 हो जाएगा ठीक। तो अब देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका 3/2 F1 - D यानी 2F और F1 3F, 1 - 2/3 तो क्या आएगा 1/3, और ये F/2 टोटल मिलाकर F/2, L2 F2 कितना आ गया F/2 और L1 F1 3/2 है ठीक है। और नोडल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे आपको बताते हैं। नोडल पॉइंट्स आपको याद दिलाएं कि नोडल पॉइंट्स कहा जाता है कि नोडल पॉइंट्स प्रिंसिपल पॉइंट्स पर लाई करेंगे अगर लेंस के दोनों ओर का मीडियम क्या हो, सेम हो। तो अगर ये चीज एयर में रखी हुई है तो नोडल पॉइंट्स का पोजीशन कौन सा होगा, तो वही जो प्रिंसिपल पॉइंट्स का पोजीशन। बात क्लियर है, चारों बातें क्लियर है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, प्रिंसिपल पॉइंट, फोकल पॉइंट, नोडल पॉइंट। सर मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा? मीडियम चेंज होगा तो नोडल पॉइंट अलग हो जाएगा ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े ठीक है। अब देखिए अब इसी लेंस सिस्टम में हम दिखा देते हैं कि नोडल पॉइंट फोकल पॉइंट कहाँ होंगे ठीक है। देखिएगा अल्फा बीटा की वैल्यू याद रखिए, अल्फा कितना है 3F है, बीटा कितना है -F है, L1 F1 है 3/2 F, L2 F2 है F/2 ठीक है, और D2 है। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। अब देखिए आप फिगर कैसे बनाएंगे, कहाँ कहाँ होंगे ये सारी पॉइंट्स, गौर से देखिएगा। एक एक्सिस खींच लीजिए ठीक है, यहां पर F2 बना लीजिए ठीक, F2 बना लिया आपने, सेकेंड फोक सेकेंड लेंस बना लिया ठीक। अब ये देखिए सेकेंड लेंस से L2 F2 F/2 है ठीक, ये भी आगे की ओर है ठीक, ये भी आगे की ओर है F/2। तो मान लीजिए F पूरा होता तो F/2 है जी, ये क्या होगा F2 होगा F/2 डिस्टेंस पर, ये L2 है, ये डिस्टेंस कितनी है F/2 आगे की ओर पॉजिटिव ठीक है। बीटा क्या है, बीटा -F है, यानी कि इस लेंस से F डिस्टेंस पर पीछे की ओर आपका क्या होगा, प्रिंसिपल पॉइंट लाई करेगा P2 ठीक है, P2, और ये P1 की डिस्टेंस, तो P2 इससे कितना होगा -F डिस्टेंस पे, इसका दोगुना ठीक है। यहां पर क्या है माइनस P2 लाई करेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये डिस्टेंस होगी आपकी -F ठीक है, F क्लियर है। P2 के पास ही P2 का प्रिंसिपल प्लेन होगा, P2 के पास ही N2 पॉइंट भी लाई करेगा, नोडल पॉइंट N2 क्लियर है। अब देखिए ये जो D है, D डिस्टेंस D, ये कितना है 2F, तो ये देखिए ये F है, इतना ही आप इधर और ले लीजिए ठीक, इतना ही आप इधर और ले लीजिए, तो लगभग यहां पर आएगा, यहां पर आप क्या बना लेंगे, पहला लेंस बना लीजिए, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया डी, कितने के बराबर 2F के बराबर क्लियर है। अल्फा कितना है 3F, यानी P1 कहाँ लाई करेगा, यहां से 3F डिस्टेंस पर, L1 से 3F डिस्टेंस पर, 2F तो यही है, F/2 ये है, F/2 और ले लीजिए, तो यहां पर क्या लाई करेगा P1, और ये P1 का प्लेन होगा, यहीं पर N1 भी लाई करेगा ठीक है, यानी L1 P1 कितना हो गया इज इक्वल्स टू 3F क्लियर है। तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, एक और चीज बची है L1 F1 कितना है 3/2 F ठीक है, तो ये आ गया, ये कितना हुआ F है, F ये F/2, ये 2F/2, ये 3F/2 और ये 4F/2 यानी 2F, तो ये 3/2 F है, यहाँ क्या होगा F1 होगा, L1 F1 इज इक्वल्स टू 3/2 F
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये सेकंड फोकल पॉइंट, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, और यहीं पर नोडल पॉइंट्स भी लाई करेंगे। कैसे बना है, सभी लोगों को क्लियर हो गया? क्लियर सर। है? आप तो घर पे भी इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसलिए बनाकर दिखाए हैं क्योंकि जब हम बनाए थे तो यहां से बनाए थे, ठीक है, यहां से बनाए थे तो गलती हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए हम आपको बनाकर इसलिए दिखाए हैं ताकि आप यहां से बनाना शुरू कीजिएगा, एक एक पॉइंट को लेते जाइएगा तो आपको ये डिस्टेंस डिस्टेंस का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको यही चार पांच पॉइंट बनाने हैं, आप बना लीजिए इसमें से, ठीक। तो इस तरह से आपका क्लियर होता है हाइगेंस आईपीस, ठीक। हाइगेंस आईपीस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? क्रोमेटिक एबरेशन, L1F1, कैसे L1F1, अरे ये टोटल कितना है? 2F है, 2F को क्या लिख सकते हैं आप? 4F/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4F/2 यानी कि इस पूरे डिस्टेंस को चार भाग में बांट दीजिए, एक दो तीन और ये चार, तो ये F/2, ये 2F/2, ये 3F/2, ये 4F/2, तो यहाँ क्या आया? 3F/2, 3F/2 ही लेना है आपको। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है, सर। ठीक। तो ये हो गया आपका हाइगेंस आईपीस। हाइगेंस आईपीस की आप प्रॉपर्टी भी जान गए, क्रोमेटिक एबरेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, नहीं होता है, ठीक, मिनिमाइज रहता है। आपका स्फेरिकल एबरेशन भी मिनिमाइज होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, तो मिटा दिया, इसमें एक प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में ही कि क्या आप हाइगेंस आईपीस की मदद से, क्या आप हाइगेंस आईपीस की मदद से अपने हाथों की रेखाएं देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि है तो ये भी कॉन्वेक्स लेंस ही, कन्वर्जिंग लेंस ही, ठीक। तो क्या आप हाइगेंस आईपीस की मदद से अपने हाथों की रेखाएं देख सकते हैं? पाम ऑफ योर हैंड, पाम देख सकते हैं अपना हाथ? तो जवाब है नहीं देख सकते। पूछे क्यों? आप हाइगेंस आईपीस की मदद से अपना पाम नहीं देख सकते, पाम नहीं देख सकते। इसका जवाब ये है कि पहला आप देखिए, पहला जो है ऐसे है, यहाँ है आपका फर्स्ट फर्स्ट फोकल लेंथ, यहाँ पड़ रहा है F1, पड़ा है F1 आपका इन दोनों लेंस के बीच में पड़ रहा है। यानी अगर आप ये आईपीस निकालिएगा भी तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इस लेंस के तो कम से कम फोकल पे पड़े, इस पूरे कॉम्बिनेशन के फोकस पे पड़े, तभी ना आपको ध्यान से ये दिखेगा साफ साफ, लेकिन इसका फोकस ही अंदर है, तो आप कहाँ रखिएगा? अगर फोकस पे नहीं रखिएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा नहीं। बात क्लियर है? तो आपको चूंकि फोकस इसके अंदर है इसलिए आप यहां पर इसके हेल्प से अपनी हाथ की हथेलियां नहीं देख सकते। बात क्लियर है? हाँ, ये अब कैसे ये काम करता है, टेलीस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव को इमेज बना दे जो फर्स्ट फोकल लेंथ पर बने, यानी फर्स्ट फोकस पे बने, तो फर्स्ट फोकस पे बनने वाला जो इमेज है वो तो पैरेलल हो सकता है। बात क्लियर है? तो ये क्या करता है, ये किसी रियल ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इस पॉइंट पर बने तो ये इसका इमेज आगे बनाकर भेजेगा, लेकिन कोई रियल ऑब्जेक्ट इससे डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता है। बात क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? सर एक बार और बता दीजिए। चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप इनफाइनाइट से कोई रेज ले आते, ठीक, और वो आकर यहां पर फोकस हो जाती, यहां पर फोकस हो जाती, तो यहां की रेज फिर जाकर आपका इमेज बनाती, लेकिन हाथ की हथेली देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाथ की हथेली इनफाइनाइट पोजिशन नहीं है, हाथ की हथेली एक फाइनाइट पोजिशन है, और कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस को देखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को उसकी फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा। बात क्लियर है? आपको इसको, इस हाथ को देखना है तो आपको कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, और फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? फोकस तो इसका अंदर है। क्लियर हुई बात? ठीक, इनफाइनाइट वाली रेज तो आएंगी तो यहाँ पे इमेज बना सकती हैं, लेकिन फाइनाइट वाली रेज यहाँ इमेज नहीं बना पाएंगी, ठीक है, फाइनाइट वाली रेज यहाँ इमेज नहीं बना पाएंगी, इसलिए आपको यहाँ पर हाथ की हथेली नहीं दिखेगी, यानी कि जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं उनको देखने के लिए हाइगेंस आईपीस नहीं है, इनफाइनाइट वाली रेस को देखने के लिए ही है। क्लियर है? अभी यस सर, क्लियर हो ठीक गया। है। अब दूसरा आता है रेमजन आईपीस। रेमजन आईपीस भी एकदम हाइगेंस आईपीस की तरह है, आपको बताते हैं, देखिए रेंजर आईपीस में क्या होता है कि दो लेंसेज लेते हैं, दो लेंसेज लेते हैं कुछ इस तरीके से, कि उनके जो कर्व्ड फेसेस होते हैं एक दूसरे को फेस करते हैं,
उनके बीच की डिस्टेंस बी एफ टू बाई थ्री एफ लेते हैं और एफ वन भी एफ होता है, एफ टू भी एफ होता है, ठीक है। ये आपका रेंजन आईपीस है, इसके लिए फिक्स है डी टू बाई थ्री एफ, एफ वन एफ, एफ टू भी एफ, ठीक। ये लेते हैं, अब देखिए इस आईपीस को देखकर आपको लग जा रहा है एफ वन माइनस एफ टू डी क्या है, डी होना चाहिए जीरो। स्फेरिकल एब्रेशन मिनिमाइज करने के लिए डी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्रोमेटिक एब्रेशन मिनिमाइज करने के लिए डी क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए एफ वन प्लस एफ टू बाई टू, यानी क्या होना चाहिए एफ प्लस एफ टू एफ बाई टू, डी होना चाहिए एफ, ठीक। लेकिन डी कितना है, टू बाई थ्री एफ, क्लियर है, टू बाई थ्री एफ है, ठीक। एफ से एक बटा तीन कम है, ठीक है, लेस देन एक बटा तीन कम है एफ से, ठीक। और क्रोमेटिक स्फेरिकल एब्रेशन खत्म करने के लिए एफ वन माइनस एफ टू चाहिए, यानी डी होना चाहिए जीरो, लेकिन यहाँ पर डी कुछ फाइनाइट है। इसका मतलब कि इस रैमसन आईपीस में ना तो स्फेरिकल एब्रेशन पूरी तरह खत्म हो रहा है और ना ही क्रोमेटिक एब्रेशन पूरी तरह खत्म हो रहा है, ठीक है, ना तो स्फेरिकल एब्रेशन पूरी तरह खत्म हो रहा है और ना ही क्रोमेटिक एब्रेशन पूरी तरह से खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने दो लेंस लिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लिया है, डी कुछ आपने ऐसा रखा है जो टू बाई थ्री एफ से थोड़ा सा ही अधिक है, टू बाई थ्री एफ कम है एफ से, लेकिन जीरो तो नहीं है, खत्म तो नहीं है, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, क्रोमेटिक एवरेशन को, क्रोमेटिक एवरेशन रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं। आप हाइगन आईपीस में मिनिमाइज किए थे, यहां पे क्रोमेटिक एवरेशन को आप क्या किए, रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद स्फेरिकल एवरेशन भी, स्फेरिकल एवरेशन भी आपने रिड्यूस किया है, रिड्यूस कैसे किया है, आपने दो लेंस ले लिया, ठीक है, तो स्फेरिकल एवरेशन भी रिड्यूस हुआ है, स्फेरिकल एवरेशन भी मिनिमाइज नहीं हुआ है। बात क्लियर हुई, ये दोनों बातें क्लियर है, क्रोमेटिक एवरेशन भी मिनिमाइज नहीं हुआ है, स्फेरिकल एवरेशन भी मिनिमाइज नहीं हुआ है। तो सर हम रैमसन आईपीस पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, रैमसन आईपीसी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली बात इसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा और अच्छा होता है हाइगेंस से, ठीक है। इसका क्या चीज प्रॉपर्टी अच्छी है, इसका फील्ड ऑफ व्यू हाइगेंस से अच्छा होता है, हाइगेन आईपीस से क्या अच्छा होता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, पहली चीज के अंदर मेरिट है। दूसरी चीज, आप रियल ऑब्जेक्ट्स को भी इससे देख सकते हैं, हाइगन आईपीस आप रियल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, फर्स्ट फोकल पॉइंट उसका अंदर की ओर होता है, ठीक है। लेकिन इससे आप क्या कर सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो रैमसन आईपीस इसीलिए ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि आप रियल ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकें और उसका फील्ड ऑफ व्यू भी अच्छा हो। तो ये दोनों मेरिट्स इसकी समझ में आ गई, क्या क्या है इसकी मेरिट्स, इसकी मेरिट डिमेरिट मैंने लिखी हुई है, ठीक है, आपको फिर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब चलिए इसके लिए भी हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वगैरह निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, देखिए 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1। 1 अपॉन f1 क्या है, 1 अपॉन f है, 1 अपॉन f2 क्या है, 1 अपॉन f है, माइनस 2 बाई 3 f अपॉन f1 f2 f स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 2 अपॉन f माइनस 2 बाई 3 f, तो 2 अपॉन 3 है, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 टू 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2 अपॉन 3 f यानी 4 अपॉन 3 f, यानी f क्या आ जाएगा, 3 f बाई 4, क्लियर है, बस सॉल्व करना है और क्या करना है, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट्स इजी है। देखिए अल्फा, अल्फा क्या होता है, होता है f d अपॉन f2, ठीक है। आगे आपका 3 बाई 4 f, ठीक, 3 बाई 4 f, d कितना है, 2 बाई 3 f अपॉन f2 कितना है, f f। देखिए f से 2 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा f बाई 2, ठीक है। यहाँ पे बीटा क्या आएगा, आएगा माइनस f d अपॉन f2, ठीक। यहाँ पे देखिए f1 f2 चूंकि सेम है इसलिए ये भी आएगा f by 2 ही आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस का साइन, ठीक है। इसी तरह आप फोकल पॉइंट्स निकालना चाहें तो आपका देखिए क्या आएगा, फोकल पॉइंट l1 f1 इज इक्वल्स टू माइनस f1 माइनस d अपॉन f2, तो आ जाएगा माइनस 3 by 4 f, ठीक, 1 माइनस 2 by 3 f अपॉन f, तो ये f f कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 by 3 कितना आएगा, 1 बाई 3, ठीक है, यानी f बाई 4, वो भी माइनस साइन, ठीक है, 1 माइनस 2 बाई 3 आएगा 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, f बाई 4 आ जाएगा, l1 f1। और इस तरह से आप l2 f2 निकालें तो आ जाएगा माइनस
वो भी आएगा एफ बाई फोर ही आएगा, पर पॉजिटिव में आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा, ये आ जाएगा एफ बाई। तो आपको एल वन एफ वन, एल टू एफ टू, एल्फा बीटा सब पता चल गया। आइए लिख लेते हैं, एल्फा क्या है आपका एफ बाई टू, बीटा क्या है माइनस एफ बाई टू, ठीक है। एल वन एफ वन क्या है माइनस एफ बाई फोर, एल टू एफ टू क्या है एफ बाई फोर, और डी क्या है टू बाई थ्री एफ, ठीक है। ये पांचों पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग बना लेते हैं इसको फटाक से और कहानी करते हैं समाप्त, ठीक है। देखिएगा फिर से क्या करते हैं, सेकंड वाला बना लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाला बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बीटा, बीटा बीटा कितना है माइनस एफ बाई टू, बीटा किसकी पोजीशन होती है सेकंड फोकल पॉइंट, है ना, पी टू प्रिंसिपल पॉइंट, ये पी वन की पोजीशन, ये है माइनस एफ बाई टू, तो इसको माइनस एफ बाई टू पे बना लीजिए, मान लीजिए कोई माइनस एफ बाई टू पॉइंट, तो क्या आ जाएगा पी टू, यहाँ से क्या डिस्टेंस होगी माइनस एफ बाई, ठीक। L2 F2 क्या है F by 4, पॉजिटिव है, ठीक, ये पूरा डिस्टेंस F by 2 था, इसका आधा F by 4 होगा लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ क्या आपने कर लिया F2 आ जाएगा, कितना आएगा F by 4, ठीक है। D इनके बीच 2 by 3 F है, ठीक। अब देखिएगा ये पूरा डिस्टेंस अगर F है 0 to F, D D 2 by 3 F है, ये पूरा डिस्टेंस मान लीजिए F है 0 to F, तो 1 by 3F, 2 by 3F और ये टोटल F, तो D कितना होना चाहिए 2 by 3F, ठीक। और F by 2 यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से F by 2 यहाँ आएगा, तो ये 2 by 3F हो जाएगा और ये हो जाएगा F by 2, क्लियर है, और ये पूरा F हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से F by 2 ले लिया गया है, F by 2 दूसरा लेंस कहाँ होगा, इससे इतने ही डिस्टेंस पर होगा, थोड़े से डिस्टेंस यहाँ पर होगा दूसरा लेंस, ठीक है। तो यहाँ L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब L1 से F by 2 डिस्टेंस पे, L1 से F by 2 डिस्टेंस पे, यहाँ से लगभग यहाँ पर आपका क्या पॉइंट आएगा P1, यहाँ P2 N2 आपको मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा P1 N1, और L1 से माइनस F by 4, L1 से माइनस F by 4 से आपको मिल जाएगा F1, F by 4 डिस्टेंस पे आपको क्या मिल जाएगा F1, ये डिस्टेंस क्या है इज इक्वल्स टू 2 by 3। तो इस तरह से आपने सारे फोकल पॉइंट्स को सारे कार्डिनल पॉइंट्स को दिखा दिया, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट्स, तो प्रिंसिपल पॉइंट्स पर ही लाई करेंगे क्योंकि नोडल पॉइंट्स जो है आपके अब सेम होंगे प्रिंसिपल पॉइंट्स पर लाई करेंगे क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदल रहा है, क्लियर है, ये बात क्लियर है सभी को, यस सर क्लियर है, क्लियर है। तो बहुत आसान सा चैप्टर था, आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सात आठ पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, हाइगेंस आईपीएस, रैमजन आईपीएस छोटा छोटा है, आप पढ़ कर जाइए, ठीक है। आज आपको शाम तक असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट आपको मिलेगा पोलराइजेशन चैप्टर, पोलराइजेशन का देने का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि एक तो ये चैप्टर थियोरेटिकल है, ईजी है, दूसरा हमको ऐसा लगता है खत्म हो गया सर, हाँ खत्म हो गया, ठीक है खत्म हो गया, और हमको ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन लगभग सभी विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अगर आपको नहीं किसी चीज़ में प्रॉब्लम भी होगी तो आपके पास वीडियोज हैं, इसलिए आपको असाइनमेंट आज शाम को पोलराइजेशन का मिलेगा, आप चार दिन के भीतर फिर से असाइनमेंट करके दीजिए, ठीक है। और हम जिन लोगों को भी बोले हैं जैसा जैसा करेक्शन बताए हैं, हम आशा करते इस बार आपको नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है, नंबर्स दिए जाएंगे इस बार कि आपको कितना नंबर मिलता, इसलिए आप करेक्शन जो भी नहीं आएगा उसका प्रॉब्लम हमसे पूछिएगा कि सर इसमें कितना लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, या खुद से ही लिखिए, हम आपको करेक्शन करने के लिए है, पर एक बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, एक बार फिर से उसको तेज बनाइए और क्वेश्चन को समझने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए समाप्त करें कहानी, रिवीजन क्लास सर ऑप्टिक्स का, हाँ रिवीजन क्लास होगा, चिंता ना कीजिए, रिवीजन क्लास आपके एग्जाम से पहले हम दो तीन रिवीजन क्लास, चार रिवीजन क्लास लेंगे, ठीक है, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने के लिए, ठीक, आप चिंता ना कीजिए। सबसे पहले एब्रेशन का ही सबसे पहले रिवीजन होगा, ठीक है, एब्रेशन का ही सबसे पहले रिवीजन होगा, उसके बाद से हम देखेंगे इंटरफेरेंस का रिवीजन करेंगे या जिसका भी करेंगे, एक टॉपिक आप समझिए कि आपका ऑप्टिक्स खत्म है, ठीक है, एक टॉपिक बस ग्रेटिंग बची हुई है, ग्रेटिंग एक एक दिन पढ़ाएंगे आपको, फिर आपका खत्म हो जाएगा ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जस्ट आप पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बहुत अच्छा करना है आप, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत, अभी हम आपसे एक क्लास और लेंगे आपकी, ठीक है, उस क्लास का नाम हम आपको बता देते हैं, उस क्लास का जब आपको पूरा पढ़ा लेंगे तब वो क्लास लेंगे, पर क्लास के लिए आप लोग तैयार होइएगा, वो क्लास होगी गुरुदक्षिणा क्लास, ठीक है, पहले से आपको बता देते हैं, इस क्लास में आप लोगों को अटेंड रहना पड़ेगा,
ये क्लास आप लोग कीजिएगा, जो भी विद्यार्थी थोड़ा सा भी हमसे सीखे हैं या हमको अच्छा मानते हैं प्लीज वो आप लोग ये क्लास कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे ये क्लास अरेंज करने के लिए। क्लास का नाम है गुरु दक्षिणा क्लास, जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है? कंपल्सरी है क्लास, कब होगा सर, कब होगा? अब होगा जल्दी ही, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले होगा, ठीक है? हम अरेंज करते हैं। ओके सर, इसको कीजिएगा क्योंकि यही मेरी गुरु दक्षिणा है। आपने जो फीस पेमेंट की है हमको नहीं पता आप कितना फीस पे की है, हम आज तक आपसे कभी पूछे कि आपने कितनी फीस दी है, कौन दिया है कौन नहीं दिया है, हम कभी नहीं पूछते हैं, हमको मतलब ही नहीं है उससे, है ना? आप हमको गुरु दक्षिणा क्लास में गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा, जो जो हम कहेंगे आप मान लीजिएगा, ठीक है? वही मेरी गुरु दक्षिणा है, ठीक ठीक है? तो बी रेडी फॉर गुरु दक्षिणा क्लास, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप हमसे संपर्क कीजिएगा।